गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं आज आपको एक नया चैप्टर करवाऊंगी, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये मैथ का चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम ये स्क्वायर पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब अगर ज्योमेट्रिक फिगर मैंने ली है तो ज्योमेट्रिक फिगर में स्क्वायर कब बनेगा, जब उसकी लेंथ चार साइड जो है वो इक्वल होगी। अगर लेंथ इक्वल है तो उसे हम लोग स्क्वायर कहेंगे। उसी तरह यहाँ पर इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक जैसे होंगे, जैसे कि 1 × 1, 2 × 2। उसी तरह यहाँ हमने दिया हुआ है 5 × 5। अब 5 × 5 मतलब 5 नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका प्रोडक्ट है 25। 7 × 7 तो 7² ऐसे डिनोट किया जाएगा, 7 बेस में पावर में 2, मतलब 7 2 times। उसी तरह a दिया हुआ है, a × a दैट इज a² बेस में a पावर में 2। उसी तरह परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हमने एक तरफ देखा, यहाँ पर हमने पहले क्या देखा 5 × 5, अब उसका जो प्रोडक्ट आया 25 दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किसी नंबर का प्रोडक्ट जो होगा अगर वो कंप्लीट है, अपने आप से नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, इफ़ द गिवन नंबर इज स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर देन द गिवन नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि यहाँ देखो 1, 4, 9 ये सारे के सारे क्या है, प्रोडक्ट है। किन के प्रोडक्ट है, 1 प्रोडक्ट है 1 × 1 का, 4 प्रोडक्ट है 2 × 2 का, 3 × 3 हमारा 9 हो गया। तो 1, 4, 9 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह जैसे हमारे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते, उसी तरह परफेक्ट स्क्वायर भी बहुत सारे हैं, वो भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। पर जितने नंबर हमारे पास हैं नेचुरल नंबर, दे ऑल आर नॉट और दे कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दे कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर कई सारे रूल्स होते हैं जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। तब अगर मान लो किसी नंबर 10 × 10 मैंने किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसका प्रोडक्ट क्या आया 100। अब 10 में कितने जीरो होते हैं, 1। अगर मुझे 10 का स्क्वायर ढूंढना है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसमें कितने जीरो होंगे, 2। तो इसका मतलब है अगर किसी नंबर में एक जीरो है तो उसका जो प्रोडक्ट, उसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी हैविंग 2 zeros। गॉट इट। उसी तरह अगर नंबर के पीछे मेरे 2 zeros हैं, 10 प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर भी और 10 प्लेस पर भी, लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल 100 लिया मैंने, तो 100 में कितने जीरो हुए, 2 zeros। तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इट विल हैव 4 zeros। मतलब अगर 2 zero है तो वो प्रोडक्ट में 4 हो जाएगा। दूसरी बात, अ नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 or 8, अगर मान लो किसी नंबर का लास्ट डिजिट है 2, 3, 7 or 8 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बराबर। अब एक और आता है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का, 1 का स्क्वायर होगा 1, 7 का स्क्वायर होगा 49, तो पीछे क्या आया 9, तो ये 9 भी ऑड नंबर है। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद वो ऑड ही होगा। और अगर इवन नंबर है तो उस इवन नंबर का लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा द लास्ट डिजिट विल बी ऑलवेज इवन।
तो ये सारे रूल्स हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। ये मैंने टेबल में लिख के दिया है आपको। अगर मान लो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर जीरो है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? जीरो। वन और नाइन है तो वन, टू और एट है तो लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद फोर, थ्री और सेवन है तो नाइन, फोर और सिक्स है तो सिक्स, और फाइव है तो फाइव। अब यहाँ पर आपके बुक में पेज नंबर 90 पर दिया हुआ है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। अब 30 और 40 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर हमें ढूंढने हैं, तो हम डायरेक्टली तो नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वी हैव टू फॉलो सर्टन मेथड। अब यहाँ पर मैंने मेथड बताई है आपको, 1 × 1 तो 1 आया, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49। अब यहाँ पर देखो, मुझे 30 और 40 के बीच का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, तो आप अपने पेज में देख सकते हैं 6 × 6 वो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर दैट लाइज बिटवीन 30 एंड 40। अब देखो यहाँ पर ट्राई दिस, निकालो पेज नंबर 90-91 का। यहाँ पर हमें कहा गया है देख के ही बताना है कि whether the given number is a perfect square or not। अब यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है, बाकी के सारे आप अपने आप करोगे। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है 1057। अब नंबर हमने पहले ही देखे थे 2, 3, 7, ये सारे जो नंबर हैं अगर वो लास्ट एंडिंग में आते हैं तो दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एंडिंग कौन सा नंबर हो रहा है, 1057 में 7 से हो रहा है ना, 7 है तो 7 की लास्ट डिजिट क्या है, 1057 की लास्ट डिजिट है 7। तो अगर नंबर 1, 4, 5 और 6 से एंड होता है देन ओनली दे आर द परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं है तो नंबर द होल गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं ओरली आपको बताऊँ, 3 है तो 3 सेकेंड पर है, 2, 3, 4, 5, 3 ये नंबर है तो 3 लास्ट डिजिट है तो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 7, 9, 2, 8 है पीछे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है उसमें 2, 2, 2, 2, 2, 2 तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 1069 ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 2061 लास्ट में 1 है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है।